नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का दिन में आपको क्या क्या कार्य करना है और आज का दिन का क्या है आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेगा आपका भाग्यशाली अंक, इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहें, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप किसी भी निर्णय को लेने में दिल की अपेक्षा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जरूर सुने। आपका कर्म और प्रस्ताव आपके हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करेगा। घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग रहेगा। भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें, क्योंकि संबंधों में कुछ दूरियां आने जैसी परिस्थितियां बन सकती है। इस समय बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि चिंता का कारण बन सकता है। कुछ समय उनके साथ ही अवश्य व्यतीत करें। आज अपना अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों में लगाएं। कुछ सकारात्मक संपर्क स्थापित होंगे, परंतु इस समय भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखें, क्योंकि अभी समय उपयुक्त नहीं है। कुछ योजनाओं के लिए उचित समय का इंतजार करना जरूरी है। पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना पारिवारिक तथा आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएंगे। व्यवहार संबंधों से दूर रहें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस समय अत्यधिक सर्दी से आपका अपना बचाव अवश्य करें। और आज का आपका भाग्यशाली रंग होगा क्रीम और आज का आपका भाग्यशाली अंक होगा 4। काम संबंधी सभी योजनाओं आज और सफल होगी, लेकिन काम आपके जरूर पूरे होंगे, इसलिए योजना के अनुसार ही काम का पूरा करने की जिद का दूर रखना होगा। मित्र की मदद द्वारा सरकारी दस्तावेज संबंधी कार्य को पूरा करने में आपको सहायता मिल सकती है। काम को ठीक ना करने की वजह से काम संबंधी हुई गलतियों को ठीक करने के लिए अधिक समय बीत सकता है। आपके एरियर स्वभाव के कारण से पार्टनर के साथ बातचीत कम हो सकती है। वजह को नियंत्रण रखने पर अवश्य ध्यान देना आपको होगा कि अपने करियर के मामले में कोई बड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं तो आज उठा सकते हैं। काम के संबंध में यात्रा करनी पड़े तो कर लीजिए, अनुकूल रह सकती है। शेयर बाजार के उठा पटक आपको लाभ या राहत देने वाले रह सकती है। गणेश भगवान के चंदन के तिलक पर देसी घी का दीपक जरूर करें। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। किसी खास परिचित का मार्गदर्शन करना पड़ सकता है, ननिहाल जाना हो सकता है या वहां से विशेष समाचार मिल सकता है। कुलदेवता को देसी घी का दीपक करें। दूर या बहुत दूर से लाभ का संदेश मिल सकता है। किसी से भेंट में बड़ी प्राप्ति हो सकती है। परामर्श देने का काम करने वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। घरेलू उपयोग के लिए खास खर्च हो सकते हैं। पीपल में जल चढ़ाकर देसी घी का दीपक करें। यदि किसी सरकारी कार्मिक के विरुद्ध विभिन्न जांच चल रही है तो मामला खिलाफ जा सकता है। जो सरकारी कर्मियों के जांच में शामिल है वे आज फूक फूक कर कदम रखें, यानी पर्याप्त रूप से संभल कर काम करें। शनिदेव के काले सूती कपड़े में काले तिल के लड्डू चढ़ाएं। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बिगड़ने से बचाएं। अपने आप को डिसिपेशन से बचाएं। माता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। कुत्ते को गुड़ का हलवा दें। यदि प्रेगनेंसी चल रही है तो आज कर करवाई जाने वाली जांच में अनुकूलता रह सकती है। प्रेगनेंसी की इच्छुक महिलाओं को इस मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकती है। अपने खान पान की इच्छाओं को पर पर्याप्त रूप से नियंत्रण रखें। हनुमान जी की चमेली के तेल का दीपक का संकट मोचन हनुमान पाठ करें।
यदि कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है तो इस में अलगाव से बचाव के लिए रास्ता निकल सकता है। भीतर का अंदर आनंद अधिक सुखदायी रहेगा। रात्रि के समय किसी विशेष आयोजन का भाग बन सकते हैं। भैरव बाबा के कचौड़ी, समोसा व इमरती जरूर चढ़ाएं। नर्सरी वालों को अच्छा लाभ हो सकता है। कृषि उपज में के मामले में अनुकूलता रहने से मन प्रसन्न रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी पड़ सकती है। शिवलिंग पर आके फूल चढ़ाएं। सड़कों के ठेकेदारों को, टोल टैक्स के कंपनियों को, प्रशासनिक या आर्थिक या इन दोनों की मोर्चों का झटका लग सकता है। दूसरों पर हावी होने वाली जबरदस्ती प्रभाव डालने की कोशिश से पूरी तरह से बचे। सत्संग में धनराशि भेंट करें। आज का दिन का अधिकतर समय मनोरंजन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होने होगा। यदि निकट संबंधी से आप व्यतीत करना आपसे संबंधों को अधिक मजबूत रहेगा तो आप तनाव मुक्त हो अपने कार्यों में प्रति ध्यान दे पाएंगे। आज भूमि संबंधी किसी भी और सर्वाधुनिक पूर्वक करें। जरा भी गलती नुकसान की वजह बन सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान अपनी पढ़ाई से हटकर मौज मस्ती में लगेगा। संतान कि किसी जीत की वजह से परेशान हो सकती है। कुछ समय से आपको जिस सुकून की तलाश थी आज वो हासिल हो जाएंगे तथा आत्मचिंतन द्वारा अपनी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए चेष्टा करेंगे। घर के निर्माण संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है तो उसको दोबारा शुरू करने की उचित समय है। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में लिए गए किसी निर्णय में गलती से हो सकता है। आपके कुछ सपने अधूरे रहने की वजह से मन उदास भी रहेगा। ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी नए कार्य की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम रहेंगे तथा मनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। सिर्फ अपने कार्यों से संबंधित गोपनीय का पूर्ण ध्यान रखने इस समय आर्थिक मामलों में कुछ तंग रहेगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा जिसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहें। स्त्रियों को जोड़ों से दर्द या स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशान रहेगी। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आवश्यक रखें। तय की हुई सभी बातों को प्रगति और बढ़ता देख आपको समाधान प्राप्त होगा। आपको आत्मविश्वास, अहंकार में फर्क जाने आवश्यक होगी। जाने अनजाने में आपकी बातों द्वारा आप किसी को दुखा सकते हैं। किसी की भी व्यक्तिगत बातों के बारे में